Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. It's a fight against Godi media. Subscribe the channel and share the video. And now Godi number 5. It's actually a birthday wish. Guess karo kiska birthday tha? Batana ba. Abhe guess to kar. Pata hai, birthday ki khushi mein 40 April ho gaya tha. वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये ओके ऑन 11th ऑफ मई वाज अ बर्थडे ऑफ चित्रा त्रिपाठी। रिमेंबर 14th अप्रैल लॉकडाउन 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये लोग भी बेचारे कंफ्यूज हो गए कि यार अगर 40 अप्रैल का महीना था तो इनका बर्थडे मई में आया है या अप्रैल में। मेरी जबान टूट गई यार। नो हैप्पी बर्थडे चित्रा जी, but we have a wish on your birthday. Please listen to it. It's advice. It will give you so many things in future if you follow this. Trust me. Just listen to it. आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। Exactly. Look at her face now. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। यस, बायस्ड मत होइए। एज अ जर्नलिस्ट आप न्यूट्रल रहिए। ये आपने तो तय कर लिया आपकी साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर आपने ये एडवाइस मान ली तो आपका आने वाला हर बर्थडे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी। चल बा। क्या बात है। नहीं ओके नाउ गोदी नंबर 4। ओके गाइस, नाउ दिस इज द टाइम फॉर आवर गेंडा स्वामी। कभी कभी तो हंसी आती है। पिछली बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम को रंगों में बांट दिया, तो और अभी देखो एक नई किस्म की बकचोदी लाए। ट्वीट पढ़ो, तेलंगाना सरकार मुसलमानों को रमजान की स्पेशल किट फ्री में दे रही है। हिंदू के त्योहार रामनवमी, हनुमान जयंती, उगादी पर घर से भी बाहर निकलना मना था। इट वॉज अ कम्प्लीटली पोलिटिकली मोटिवेटेड ट्वीट एंड लेट मी टेल यू इट्स अ फेक न्यूज। 5 साल पहले का पिक्चर है और अभी हमारे गेंडा स्वामी ने लगा के फैला दिया कि देखो क्या हो रहा है, फिर वही भड़काने की कोशिश। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। गलत बातें से देश टूटता है, देश का नुकसान होता है। और लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो रहा है, आपने क्या कर दिया फिर हमारे लिए। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, द मोटिव ऑफ दिस इंटायर शो इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट न्यूज चैनल शुड फोकस ऑन द रियल इश्यूज, नॉट ऑन हिंदू मुस्लिम की दुकान। मतलब कि ये समझ लो कि ये 5 साल पुराने आटे की बोरी है और ये हमारी प्यारी आटे की गोली है। Okay, now guys, this is Godi number 3. Let's talk about racism, guys. You know why people hate Trump so much? Because of his racist mindset. I showed you this clip. Watch one more time. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. चलो अच्छा चाइना को गाली दे रहे पर रेसिज्म है यहाँ पे। So why are you saying that to me specifically? And Godi Media did the same shit. I mean check out this slide. India TV की स्लाइड है, वही चुतिया पर ओवर द टॉप लिखना जैसे मदारी जमहूरी का खेल चल रहा है। दिल्ली में हल्ला मचाने लगा, चीन का रोल दिखने लगा, चीन के टॉप डॉक्टर ने माना तैयारी नहीं थी। अब ये मैं बता रहा हूँ, शायद इसको ये चीन का डॉक्टर भी समझ रहे हो। चूतिए तो है, इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे। But guys, this is a big racism here. खुले में हगना बंद करो। He is a South Korean artist. He is not a Chinese. Not at all. He is a South Korean. मदरचोद। कुछ तो शर्म करो, ये रेसिज्म है। अनपढ़ बकचोद चूतियो, कहाँ से डिग्री लेते हैं ये? लवड़ा का सरकार। I'm so sorry if I'm pronouncing it wrong. He is a South Korean actor, single model, Park Chan-ol, and that was the picture of a shoot. अरे पर जो बहनचोद एलियंस को दूध पिला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, पता है इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप खराब होती है। ये वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और सारे साउथ कोरियंस भड़के हुए थे कि बहनचोद इंडियन मीडिया को हो क्या गया है। अरे बहनचोद कंट्री में तो आग लगा ही रहे और बाहर भी नाम खराब कर रहे हैं इंडिया का। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मदरचोद के बच्चे। गोदी नंबर 2। ओके नाउ आवर फेवरेट बीएनडी। ये ओके, समवन क्रिएटेड अ रिपोर्ट ऑफ अ शो, आई मीन द entire month report. We'll share it with you. But before that, remember last time, last week's episode? बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए, संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप।
ये लास्ट वीक वायरल हुआ था, लेकिन अब ये खटपट वायरल हुआ है। उसके आगे का भागे जी, मतलब समझ लो एपिसोड टू आप होंगे किसी के नौकर। खटपट खटपट खटपट, अमित भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट खटपट खटपट। एंड ऑन इंटरनेट देयर वर सो मेनी वर्जन, नंबर वन खटपट 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 वायरल स्टफ एंड हिज शो। हिज शो नेम इज आर पार, या इट्स अ डिबेट शो। नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। आर पार, और हमेशा कोई आर पार कर जाता है बीएनडी के। तो someone did the analysis from 17th March to 8th May, the topics of debate, okay, and it was shocking. Between 17th March to 8th May, he did not discuss any important issue related to corona. Okay, zero debates on COVID testing, health infrastructure like PPEs, ventilators, state of hospitals and medical staff, problem faced by poor and migrant laborers during lockdown, economic model post lockdown, state of corona warriors infected by corona, etc. एक भी डिबेट नहीं की बीएनडी ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जबकि सारी बातें इस पर ही होनी चाहिए थी। फिर आगे एनालिसिस ये किया कि कौन कौन से टॉपिक जिस पर बीएनडी ने डिबेट किए, सुन तो लो। रीड द हाइलाइटेड टॉपिक्स, हिंदुत्व का डंका, कश्मीर की लड़ाई अब पीओके पर चढ़ाई, मोदी विरोध में विपक्ष ने लांघी सारी मर्यादा, कोरोना काल में राजनीति नहीं, बदनामी ब्रिगेड पर कस गया शिकंजा, अभी 15 करोड़ की धौस, सियासी बवाल, हिंदू मुसलमान भड़काओ ज्ञान से वैसी राज्यों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना साद, पीएम मोदी का डंका, मौलाना साद, साधुओं के मॉब लिंचिंग पर सन्नाटा क्यों? एंड एज आई टोल्ड यू ऑन लिंचिंग केस, मोर देन 100 पीपल वर अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस। वही तो काम की एक बात नहीं करता बीएनडी, वही खटपट 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 खटपट। देर आर सो मेनी ट्रोल्स ऑन मिस्टर अमीश देवगन, आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग जर्नलिज्म नाउ। लोग कहते हैं ना इसका जन्म क्रिकेटर बनने के लिए हुआ है, या हमारे बीएनडी का जन्म मीम बनने के लिए हुआ है। Yes, trust me, the meme game on BND is on another level. Now people are launching brands on BND. अरे याद है वो James Bond, उस James Bond में से और निकाल दिया, James BND बन गया। And look at this. अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। BND बोलेगा, My name is Bhadwa and Dalal. बिचकिया, बिचकिया। Okay guys, remember the ad of Nirma? Remember that one? Washing powder, Nirma. And now, presenting you, Bhadwa. Doodh si safedi, Bhadwa se aayi. Trolling ke liye sabki pasand Bhadwa. Kodi number one. And now I want to show you the magic. Magic first time on this show. Are aisa nahi, itna magic. Matlab, tihari ke sur badal gaye. And on 11th of May, there was a technology day and people were remembering him because he was the guy who found a chip in 2000 rupee note. Isse bada jhooth humne nahi suna. Matlab is news channel ke Nityanand ko dekh ke science bolta hai ki thodi to maryada rakhiye. Remember he came up with the jihad chart and then we trolled him. Itni nafrat ke baad logon ne Sudhir ke liye ek chart banaya. Ek hoti hai kattar dalali, ek hoti hai vicharik dalali. Aur logon ne kaha bhai Tihari tu dono karta hai. खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना। All we want is they should stop doing Hindu Muslim on news channel and should focus on the real news. That's it. जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये जो जिहाद शब्द है, ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। And now cut to watch this. जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन भाई मारो मुझे मारो। जिहाद की परिभाषा को
हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। मतलब सच में जी अरमा बदल गए, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है, ये जो जिहाद शब्द है, पवित्र युद्ध, ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। इस बात पे ना ताली पड़नी चाहिए ना गाली पड़नी चाहिए, ये सही तरीका है इस देश में जीने का। एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करो, तभी तो हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। एंड आफ्टर दैट नेशन रियली वांट्स टू नो व्हाई दिस सडन चेंज, यस FIR एंड दिस वन। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बड़ी बात की है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड नाउ इज फिल्टरिंग ऑल द थॉट्स, जस्ट लिसन टू इट। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अरे पर एक मिनट सर, आप कोई रॉबर्ट स्पेंसर का रेफरेंस दे रहे थे कि कुछ लिखा है, क्या कुछ था क्या सर वो, पिछली बार आपने कुछ बोला था? इसके लेखक हैं रॉबर्ट स्पेंसर, उन्होंने भारत में जिहाद की साजिश को लेकर जो लिखा है उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। जिहाद की साजिश, अब वो बात नहीं कर रहे सर, अब बात कुछ और हो रही है। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो ये जिहाद नहीं है। अच्छी बात है, पर ये 2000 रुपए के नोट के लिए माफ नहीं करूंगा मैं। हिंदू ना मुसलमान हमें बेमान। बट जोक्स अपार्ट गाइस, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। सोचने वाली बात है, हमारे पीएम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाके रिलेशनशिप बनाते हैं और ये यार न्यूज चैनल पे रायता फैलाते रहते हैं। ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। क्या क्या है कि ना जिहादी ना तिहाड़ी, कि ना जिहादी ना तिहाड़ी, सुधीर भाई फट गई तुम्हारी। फिर से बता दूं, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होते हैं पत्रकार, और अगर वो करप्ट हो जाए तो देश मुश्किल में आ जाता है। इसलिए हम बस ये चाहते हैं कि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें और ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। गाना लगा दे बेटा। गेट द फक आउट ऑफ हियर। And now this is Godi number 3 and this is hilarious. It's coming in chapters actually. And our hero is Momina, if you remember. So we saw the chapter number 1 last week. That was Momina, ye log mujhe chor keh rahe hain Momina. And now chapter number 2 and we are desperately waiting for chapter number 3 now. Hamesha jo hai mujhe kaide se un cheezon ko rakhne ke liye kaha gaya hai jo facts hai. Aap kaide se rakhte ho na, us kaide se pata hai kya hota hai, kuch log samajh pate hain kuch log nahi samajh pate. Ab jaise ab main aapke sath kuch time se reh rahi hu to mujhe pata hai ki aap kaise ho, kya hai, aapko kya cheez samajhni chahiye kya nahi. To bahut se log, main khud kehti hu, mere husband khud aapko gaaliyan bakte hain. मतलब लिटरली जवान टूट गई मूवमेंट हो गया हमारी, थकते नहीं है गर्ल के लिए। ओके, आई हैव टू शो यू द एंटायर कॉन्वर्सेशन सो यू विल गेट इट मोर नाउ। मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। कैसे मिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है। मोमिना चैप्टर नंबर 1 में हमने जाना कि रूबिका चोर है, उसके बाद हमने जाना कि मोमिना का पति भी रूबिका को गाली बकता है। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या होगा? नेशन रियली वांट्स टू नो व्हाट विल हैपन इन चैप्टर नंबर 3 विद मोमिना। देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 3 जो अगले वीक आ सकता है उसमें ये होगा कि ये बातचीत चल रही है और सडनली लाइट ऑफ होगी और मोमिना रूबिका की धुलाई कर देगी।